ये तो हमारे हाथ में अभी तक खोंचा के निशान है। लोग बाग नाखून मार देते हैं। एक जगह तो धोती खुल गई मेरी, पकड़ के खींच लियो। कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, ताली बजाने वाली क्या बात है। और दूसरे हम क्या, हम खड़ाऊं पहन के और आते हैं, तो उसमें बड़ी सावधानी से और चलना पड़ता है। इसलिए हमने सबको मना कर रखा, भाई पांव मत छुआ करो। पांव छुवाना हमको प्रिय नहीं है, दूर से प्रणाम कर लो। पर कई लोग नहीं मानते, वो जबरदस्ती खींच ले जाते हैं। तो हमको कई बार आने जाने में यूं लगती है कि काऊ दना मुंह के बल गिरे तो कथा कैसे करेंगे, चिपटी हो जाएगी नाक। आप सबसे मिलने का हमारा भी मन करता, पर इतनी संख्या में यहाँ तो बहुत शांति है। फिर भी अभी तो और जगह देख लोगे आप तो यूं सोचोगे, महाराज जी अभी पंजाब जलंधर में थे हम, बस ये समझ लो हमारी धोती खिंच गई, बगलबंदी खिंच गई, पटका खिंच गो। कई बार तो हम मंच से उतर के गाड़ी तक गए, पटका मिला ही नहीं, कोई ले गया बीच में। एक जगह तो एक माता जी ने चोटी खींच ली हमारी। रुकेगा कैसे ना ब्यास, मिलके जा हम ते। तो हम तो सामान्य से वक्ता हैं, ठाकुर जी की लीला कथा सुनाते हैं, आप हमको देख के इतने प्रसन्न हो जाते हो। जिनकी लीला हम सुना रहे हैं, कभी वे आ गए तो क्या होगा। हमारे वृंदावन के श्री पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनको देखो महाराज, 2:30 बजे निकलते हैं रात में, पूरा वृंदावन जाम हो जाता है। अपने भवन से जाते हैं, सोचो श्री जी का यश सुनाने वाले के प्रति लोगों का इतना प्रेम है, काउदना श्री जी आ गई तो क्या होगा। इसीलिए अच्छा है कि हमको ठाकुर जी की लीला सुन के अनुभव ही है जाए। ठाकुर जी दिख गए तो है, ये होगा कि भाई संत महापुरुषों को देख करके रोना निकल जाता है, संत महापुरुषों को देख के आनंद में भर जाते हैं, ठाकुर जी सामने आ गए तो प्राण ही निकल जाएंगे। कृष्णदास जी तो अपने एक पंक्ति में कहते हैं, एक पद में कहते हैं, बहुत प्रिय पद है मेरा, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक। सब लोग गाओ, एक कथा सुना दें थोड़ी सी। कृष्णदास जी आगरा गए और कृष्णदास जी का ये स्वभाव था कि कुछ भी अच्छी वस्तु लगती थी उनको, वो तुरंत ठाकुर जी की सेवा में उसको ले जाते थे। जैसे हमारा स्वरूप स्वभाव क्या है, हमें कोई भी वस्तु अच्छी लगती है, कपड़ा अच्छा लग रहा है, खरीद लो, इससे हम अपने कुर्ता बनवाएंगे। कपड़ा बढ़िया लगा खरीद ले गए, झालर बढ़िया लगी घर में लगा देंगे, कोई सब्जी बढ़िया लगी घर ले जाके बना के स्वयं पालेंगे। हमको जो भी चीज अच्छी लगती है हमारे लिए अच्छी लगती है, पर कृष्णदास जी का स्वरूप स्वभाव कैसा, उनको कोई भी चीज भाती है ना, वो तुरंत सोचते हैं तो ठाकुर जी के लेके चलूं, कुछ भी अच्छा लग जाए उनको बस। अरे कहां तक कहें, कोई सुंदर बालक भी दिख जाए तो उससे कहें, अरे तू इतनो सुंदर है, कहां करेगा संसार में रहके, चल हमारे ठाकुर जी के सामने सच धज के आ जाए करियो, तो देख के लाल जी प्रसन्न हो जाए करेंगे। ऐसे थे। हम पहले बंबई गए थे गायक बनने के लिए, जब हम 9वीं कक्षा में थे, 9वीं पास कर ली थी, उसके बाद हम बंबई चले गए। मैंने कि हम तो गायक बनेंगे, पिक्चरों में गायक करें, अभी से लगेंगे तो बड़े होकर के गायक बन जाएंगे। हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने हमसे कहा, ओ लाला जे दुनिया बड़ी बेकार है, तू आज अपनी वाणी से या को रिझावे को तो रीझ जाएगी, कल तोते बढ़िया गावे वारो आगो तो सब रिवाती रीझ जाएंगे। मैंने कि नाना जी तो कहा करूं, बोले ऐसे को रिझा जो तोते हरदम रीझो रहेगो, बोले ऐसा तो केवल दुनिया बनावे वारो परमात्मा है। तो कु गरो दियो ठाकुर जी ने, तेरे पास स्वर दियो ठाकुर जी ने, तो वास्वर ते कथा गाना।
अपने पिताजी की व्यासपीठ संभालना। हमारे नाना जी ने हमको फिर इस मार्ग में लगा दिया। पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज की कृपा से आज कथा सुना रहे। तो कृष्णदास जी का यही स्वभाव था, कुछ भी चीज प्रिय लगती थी ठाकुर जी को अर्पित कर देते थे। एक बार आगरा गए तो आगरा में बड़ी सुंदर स्वर सुनाई दिया। पीछे पीछे गली मोहल्ले कूचों में जाकर के देखा कौन गा रहा है। तभी देखा कि महाराज 20-25 लोग मसनद लगाए बैठे हैं चारों ओर, और बीच में एक सुंदर सी अप्सरा नगर वैश्या वो गा रही थी, और लोग बाग उस पर धन लुटा रहे हैं। आहा वाह क्या गा रही हो। कृष्णदास जी ने जब उसका स्वर सुना तो मन में विचार करने लगे, इन पामर जीवों के लिए गा रही है, यदि इस स्वर का प्रयोग हमारे श्रीनाथ जी के आगे कर दे तो श्रीनाथ जी प्रसन्न हो जाएं। ये तो धन लुटा रहे हैं, पर श्रीनाथ जी प्रसन्न नहीं गए तो खुद को लुटा देंगे, कृपा लुटा देंगे। कृष्णदास जी बोले, लेकिन इसको लेके कैसे जाऊं, ये तो वैश्या है, इसकी स्वयं की आसक्ति है इन प्रेमियों में। तभी कृष्णदास जी ने देखा कि जो ज्यादा धन लुटाता वैश्या उसकी तरफ चली जाती। कृष्णदास जी बोले, अच्छा ज्यादा धन का लोभ है इसको, तो वहां पे जितने भी लोग बैठे, कोई 10 रुपया कोई 20 रुपया, उस समय में भी बहुत होते थे 10-20 रुपया। उस समय रुपये कहां चलते थे, उस समय तो मोहर चलती थी। कृष्णदास जी ने अपनी जेब में से 100 सोने की मोहर की पोटली निकाली और निकाल करके उस वैश्या को दिखाई। वैश्या आ गई, आकर के कृष्णदास जी से कहने लगे, बताइए क्या गाऊं, क्या नाच के दिखाऊं आपको। कृष्णदास जी बोले, मुझे नहीं देखना, मेरे सेठ जी हैं उनको दिखावे चल। ये तो तोकू पहली, आज की भाषा में कहें तो एडवांस दे रहे हैं हम, पूरी पूरी जो तेरी न्योछावर है वो तो हमारे सेठ जी देंगे। वैश्या मन में सोचने लगी, पूर्व की न्योछावर 100 मोहर दे रहे हैं तो सेठ तो जाने कितने देगा। वैश्या तो तुरंत कृष्णदास जी बोली, ले चलो मुझे। कृष्णदास जी ने ये नहीं बताया सेठ जी कौन है। चलो रथ में बैठ करके महाराज गिरिराज जी लेकर के आए, गोवर्धन में ऊपर हवेली में ले जाकर के खड़ा कर दिया, जहां पर श्रीनाथ जी विराजते। कपाट लगे थे, अभी भी उसको नहीं पता कि कौन सेठ है। वो तो अपना सुंदर श्रृंगार संभाल रही है, अपने केश संभाल रही है, अपने पैर में घुंघरू बांध रही है और अपने कंठ को बार बार स्वच्छ कर रही है, ऐसा गा के सुनाऊंगी, ऐसा नाच के दिखाऊंगी, सेठ न्योछावर हो जाएगा मुझ पर। लेकिन जैसे ही कपाट खुले और सामने त्रिभंग लली श्याम सुंदर, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर कटाक्ष नेत्र, उस छवि को देख करके वो वैश्या तो देखती रह गई। मानो देखते ही उसके मन में आया कि आज तक अपने कंठ से, अपने नृत्य से मैंने संसार के लोगों को रिझाया, वास्तव में कंठ और नृत्य से जिसको रिझाना चाहिए उसके पास तो मैं आज पहली बार आई हूं। तब उसने कृष्णदास जी को देखा, मैं तो गा नहीं पा रही पर मेरे हृदय के भाव आप गा दीजिए। तब कृष्णदास जी ने यह पद गाया, क्या गिर धर छवि पे अट क्यों मेरो मन, गिर धर छवि पे अट क्यों मेरो, गिर धर छवि पे अट क्यों मेरो मन, गिर ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़े ठट क्यों मेरो मन, गिर धर छवि पे अट क्यों मेरो मन, गिर धर छवि पे अट क्यों मेरो मन, सज
जल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो मेरो मन, फिर चित अनत न भटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, यह तन गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। भैया जादना आपको ठाकुर जी दिख गए, वादना कहा होए गो ने ध्यान ते सुनियो, फिर आप अपने नेत्रन से कोई और को देखनो ही नहीं चाहोगे। सबसे पहलो काम ठाकुर जी दिख गए तो फिर यही है जाएगा कि नेत्र मूंद के बैठे रहोगे और कोई सुहावे कोई ना।